नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं समीर वर्मा एक वैज्ञानिक हूं। पुरानी सभ्यताओं और गुफाओं की खोज हमेशा से मेरा जुनून रहा है। इतिहास की अनजानी कहानियां और खोए हुए राज्य मुझे हमेशा खींचते हैं। मेरा काम यही है, उन गुफाओं और संरचनाओं की तलाश करना जिनमें हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के अवशेष छिपे होते हैं। कुछ समय पहले मुझे हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव मलाणा के पास स्थित एक प्राचीन गुफा के बारे में पता चला था। इस गुफा के बारे में कुछ बेहद अजीब और रहस्यमयी बातें सुनने को मिली। कहा जाता है कि वहां कुछ ऐसी शक्ति है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। इन सब बातों ने मेरी उत्सुकता बढ़ा दी और मैं इस रहस्य को जानने के लिए गांव की ओर निकल पड़ा। मेरे भीतर एक अजीब उत्साह था, मानो मैं किसी ऐसे अनजाने रास्ते पर चल रहा था जिसका अंत मुझे किसी बड़ी खोज तक पहुंचाएगा। गुफाओं के रहस्य और वहां की प्राचीन मान्यताएं मेरे मन में गहरे घर कर गई थी। मुझे पता था कि यह खोज आसान नहीं होगी, लेकिन मेरा दृढ़ निश्चय मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। मलाणा गांव पहुंचते ही एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। गांव एक ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ था और चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई रहस्य हवा में तैर रहा हो। जब मैं गांव में दाखिल हुआ तो वहां के लोग मुझे अजीब नजरों से घूरने लगे। मैं उनके पास गया, उनसे बातें करने की कोशिश की, लेकिन वे मुझसे दूर भागने लगे। गांव वालों का रवैया देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई है। किसी ने साफ तौर पर मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। एक बुजुर्ग महिला ने धीमी आवाज में मुझे चेतावनी दी, यहां से चले जाओ बेटा, ये जगह सुरक्षित नहीं है। उसकी बातों से मेरा मन थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन मैं यहां तक आ चुका था और पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। मुझे यकीन था कि इस गांव के लोग कुछ जानते थे जो मुझे नहीं पता था। मेरा मन अब और ज्यादा बेचैन हो उठा था, क्योंकि हर बीतते पल के साथ मेरे सवाल बढ़ते जा रहे थे। गांव में घूमते घूमते मुझे एक बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में पता चला, जिनका नाम आचार्य तिवारी था। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उनकी बातें ध्यान से सुनते थे। मैंने तय किया कि मुझे उनसे मिलकर इस गुफा के बारे में और जानकारी लेनी चाहिए। आचार्य तिवारी से मेरी मुलाकात गांव के मंदिर के पास हुई। वह गहरे ध्यान में बैठे थे और उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। मैंने उनके सामने बैठकर अपना परिचय दिया और गुफा के बारे में पूछा। उनकी आंखें अचानक गंभीर हो गईं। तुम उस गुफा के बारे में क्यों जानना चाहते हो? उन्होंने मुझसे सीधा सवाल किया। मैंने उन्हें अपनी खोज के बारे में बताया और गुफाओं के प्रति अपनी रुचि को साझा किया। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, वह गुफा एक साधारण जगह नहीं है। वहां एक यक्षिणी का वास है जो सदियों से वहां कैद है। कई लोग वहां गए लेकिन कभी वापस नहीं आए। वह जगह शापित है। उनकी बातों ने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया, लेकिन साथ ही एक अजीब डर भी मन में घर करने लगा। आचार्य तिवारी की बातों में एक सच्चाई थी, लेकिन मैं इस रहस्य को और गहराई से समझना चाहता था। आचार्य तिवारी की चेतावनी स्पष्ट थी, लेकिन मैं वहां से खाली हाथ लौटने के लिए नहीं आया था। उनके शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर किया, लेकिन मेरे अंदर का वैज्ञानिक मन इस सब को किसी अंधविश्वास या किंवदंती से ज्यादा कुछ नहीं मान रहा था। मैं यहां सच जानने के लिए आया था और उस गुफा का रहस्य मेरे सामने था। मैं समझता हूं कि आप जो कह रहे हैं वह सच हो सकता है, लेकिन मुझे खुद वहां जाकर देखना होगा, मैंने उनसे कहा। आचार्य तिवारी ने मेरी ओर ध्यान से देखा और उनके चेहरे पर निराशा का भाव उभर आया। तुम अपने साथ खतरा ले जा रहे हो, उन्होंने कहा। लेकिन अब तक मेरे मन में गहरी जिज्ञासा बैठ चुकी थी। मेरे कदम मुझे उस गुफा की ओर खींच रहे थे। मैंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं वहां जाऊंगा और इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। मेरे भीतर का शोधकर्ता
इस चुनौती को स्वीकार कर चुका था। मुझे यकीन था कि मैं जो खोजने जा रहा था वह सिर्फ एक किंवदंती नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कोई ठोस सच्चाई छिपी थी। गांव में पहली रात कुछ अजीब थी। मैं एक छोटे से गेस्ट हाउस में ठहरा था जो गांव से कुछ दूर था। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही मैं सोने की कोशिश कर रहा था, अचानक मुझे हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगा मानो कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा हो। मैं उठकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद जब मैं फिर से सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे एक अजीब सपना आया। सपने में एक सुंदर स्त्री सफेद साड़ी में लिपटी हुई गुफा के अंदर खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब आकर्षण था और वह मुझे अपनी ओर बुला रही थी। मैं उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। कमरे में अंधेरा था और दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा, चारों ओर घना अंधेरा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह सपना था या कोई वास्तविक अनुभव। वह स्त्री कौन थी और वह मुझे क्यों बुला रही थी? अगली सुबह मैंने गुफा की ओर अपनी यात्रा शुरू की। गांव से गुफा तक का रास्ता कोई आसान नहीं था। चारों ओर घने जंगल और पहाड़ियां थीं। मैंने अपने साथ कुछ जरूरी सामान और एक नक्शा लिया था जिसे आचार्य तिवारी ने मुझे दिया था। रास्ते में कई जगहों पर फिसलन भरी चट्टानें और तीखे मोड़ थे। पहाड़ों की ठंडी हवा मेरे चेहरे को चीरती हुई गुजर रही थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे भीतर एक अजीब सा उत्साह था। रास्ता जितना कठिन था, मेरी जिज्ञासा उतनी ही तेज हो रही थी। चलते चलते कई बार ऐसा लगा कि शायद ये सही फैसला नहीं है, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। रास्ते में मुझे कुछ अजीब ध्वनियां सुनाई दी, जैसे जंगल खुद मुझसे कुछ कहना चाहता हो। एक पल के लिए मैं रुका और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। डर और उत्सुकता के इस मिले जुले भाव ने मुझे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं जानता था कि यह यात्रा सिर्फ भौतिक नहीं थी, बल्कि मानसिक रूप से भी मेरे लिए एक चुनौती थी। काफी संघर्ष के बाद मैं आखिरकार उस गुफा के द्वार पर पहुंचा। जैसे ही मैंने गुफा को पहली बार देखा, एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर छा गया। यह कोई साधारण गुफा नहीं लग रही थी। गुफा का मुख बेहद विशाल और डरावना था। प्रवेश द्वार के दोनों ओर पत्थरों पर अजीबोगरीब नक्काशियां और प्रतीक चिन्ह खुदे हुए थे, जिनका अर्थ मैं समझ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इन चिन्हों में कोई रहस्य छिपा हो, जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए ही हो। गुफा के द्वार के पास खड़े होकर मैंने एक गहरी सांस ली। मेरे मन में हल्की सी घबराहट हो रही थी, लेकिन साथ ही एक अजीब आकर्षण भी महसूस हो रहा था। यह गुफा किसी प्राचीन सभ्यता की प्रतीक हो सकती थी, या शायद उससे भी कुछ ज्यादा। गुफा के आसपास का माहौल भी असामान्य था। एक गहरी खामोशी, जैसे समय ठहर सा गया हो। मुझे आभास हो रहा था कि यह जगह सामान्य नहीं है। यह गुफा वास्तव में वह रहस्यमय स्थान थी जिसके बारे में मैंने सुना था। गुफा के अंदर घुसते ही मैंने एक गहरी ठंडक महसूस की, जो बाहर की हवा से कहीं ज्यादा ठंडी थी। गुफा के भीतर का अंधकार इतना गहरा था कि मेरी टॉर्च की रोशनी भी कुछ ही दूर तक जा पा रही थी। मैंने सावधानी से कदम बढ़ाया और धीरे धीरे गुफा के अंदर की ओर जाने लगा। अंदर जाते ही मुझे वहां एक पुरानी मूर्ति दिखाई दी, जो गुफा के बीचों बीच स्थापित थी। वह मूर्ति एक सुंदर स्त्री की थी, जिसकी अभिव्यक्ति मोहक और रहस्यमयी थी। उसके नीचे एक पत्थर पर चंद्रिका नाम लिखा हुआ था। यह नाम सुनते ही मेरी धड़कन तेज हो गई। मुझे लगा कि यह वही यक्षिणी हो सकती है जिसके बारे में आचार्य तिवारी ने बताया था। मूर्ति के पास जाकर मैंने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखें बेहद गहरी और आकर्षक थीं, मानो कुछ कहना चाह रही हों। मूर्ति को देखते ही मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, मानो वह मुझे अपनी ओर बुला रही हो। मुझे यकीन था कि इस मूर्ति और गुफा के रहस्य के बीच कोई गहरा संबंध था। मैं और गहराई से वहां की चीजों को देखने लगा, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी मुझे घेरने लगी थी। गुफा के भीतर कुछ और कदम आगे बढ़ने पर अचानक मुझे एक हल्की सी आहट सुनाई दी। मैं चौकन्ना हो गया और चारों ओर देखने लगा। टॉर्च की रोशनी से मैंने पूरे गुफा को देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। तभी अचानक मुझे एक क्षण के लिए एक परछाई दिखाई दी।
एक सुंदर स्त्री की परछाई जो मुझे घूर रही थी। उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिखा, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। मेरी सांसें थम गईं। वह परछाई इतनी जल्दी गायब हो गई कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने सच में उसे देखा था या यह सिर्फ मेरा भ्रम था। पर उसका वह एक क्षण मेरे दिल को जोर से धड़का गया। गुफा के अंदर और बाहर सब कुछ अचानक से असहज लगने लगा। मैंने जल्दी जल्दी अपने कदम बाहर की ओर बढ़ाए। जब तक मैं गुफा से बाहर नहीं आया, मेरे दिल की धड़कनें लगातार तेज हो रही थीं। बाहर आकर मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन भीतर का डर और घबराहट साफ महसूस हो रही थी। उस स्त्री की परछाई अब भी मेरी आंखों के सामने थी। गुफा से बाहर आने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं हो पाया। वह स्त्री, उसकी आंखें, उसका चेहरा, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उसके प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस कर रहा हूं। यह सिर्फ डर नहीं था, कुछ और भी था जो मुझे उसकी ओर खींच रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। क्या यह मेरे मन का भ्रम था या वास्तव में मैंने कुछ देखा था? गांव लौटने के बाद भी मैं उस गुफा और उस स्त्री के बारे में ही सोचता रहा। उसकी छवि मेरे दिमाग से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता, वही चेहरा मेरे सामने आ जाता। क्या वह यक्षिणी थी? क्या यह गुफा वाकई में शापित थी? मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे और मैं खुद को इन सवालों से दूर नहीं कर पा रहा था। मैं जितना इन सवालों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता, उतना ही मैं उसके मुंह में फंसता जा रहा था। गुफा से लौटने के बाद मेरा व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। पहले तो मुझे खुद इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं गांव वालों से मिलने जाता तो मुझे ऐसा लगता कि वे मेरी ओर अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैं खुद भी हर समय बेचैन महसूस करता था। जब मैं गांव के बाजार में कुछ खरीदारी करने गया तो मुझे लगा कि हर कोई मुझे घूर रहा है, जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूं। रातों में सोना मुश्किल हो गया था। बिस्तर पर लेटते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती और अजीब अजीब ख्याल आने लगते। दिन में जब मैं गुफा के बारे में सोचता तो एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता, जैसे वह जगह मुझे बुला रही हो। मेरे भीतर एक अजीब द्वंद्व चल रहा था। मैं जानता था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं पा रहा था। गुफा के बाद से मैं एक पल के लिए भी खुद को सामान्य महसूस नहीं कर पा रहा था। मेरे दोस्त और सहयोगी मुझे फोन करते, लेकिन मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाता था। ऐसा लगता था जैसे मैं एक अलग ही दुनिया में जी रहा हूं, जहां सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। रात को जब मैं सोने की कोशिश करता तो अजीब सपने आते। हर रात मुझे वही स्त्री दिखाई देती, चंद्रिका। उसकी आंखों में एक गहरा आकर्षण था जिसे मैं अनदेखा नहीं कर पाता था। सपने में वह मुझे गुफा के पास बुला रही होती। उसकी आवाज मृदु और सम्मोहक होती। वह धीरे धीरे मेरे पास आती। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस होती। उसकी उपस्थिति इतनी वास्तविक लगती कि कई बार मैं जागते हुए भी उसकी छवि देखता। जब भी मेरी आंखें बंद होती, वही चेहरा मेरे सामने आ जाता। उसकी आंखों में एक अदृश्य शक्ति थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। सपनों में हम एक दूसरे से बातें करते, लेकिन जब मैं जागता तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। बस उसकी मोहक आंखें और उसकी हंसी का गूंजना मेरे मन में रह जाता। मुझे लगने लगा था कि वह मुझे किसी तरह से अपने जाल में फंसा रही है। यह सोचकर मैं और भी बेचैन हो गया, लेकिन उसके मोह से खुद को दूर करना अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। सपनों के लगातार आने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे आचार्य तिवारी से एक बार फिर मिलना चाहिए। वे इस गांव और गुफा के बारे में बहुत कुछ जानते थे और शायद वह मुझे चंद्रिका के बारे में कुछ और जानकारी दे सकें। मैं उनके घर पहुंचा और सारी बातें बताईं। गुफा में मेरी मुलाकात, सपने और चंद्रिका की छवि जो मुझे बार बार दिखाई दे रही थी। आचार्य तिवारी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें जिस स्त्री की छवि दिखाई दे रही है वह यक्षिणी चंद्रिका है। चंद्रिका एक समय में एक महान योगिनी थी। उसकी तपस्या और शक्तियों की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसे एक श्राप मिला और वह यक्षिणी बन गई। अब वह हर अमावस्या की रात को अपनी भूख और प्यास बुझाने के लिए किसी पुरुष की आत्मा को निगल जाती है। उनकी बातें सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो हो रहा है वह सच में हो सकता है।
लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे एक पुरानी और भयावह कहानी थी। मैं समझ गया कि मैं एक खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुका हूं और इससे बाहर निकलना अब मेरे लिए आसान नहीं था। आचार्य तिवारी की बातें सुनने के बाद मेरा डर और भी बढ़ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और किससे मदद मांगूं। ऐसे में मैंने अपने पुराने दोस्त नीरज को फोन करने का फैसला किया। नीरज मेरे बचपन का दोस्त था और वह हमेशा मुश्किल घड़ी में मेरे साथ खड़ा रहता था। मैंने उसे सारी बातें बताईं और उसने मेरी स्थिति को गंभीरता से समझा। तुम्हें वहां अकेले नहीं होना चाहिए समीर, नीरज ने कहा। मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। उसकी आवाज सुनकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। वह जल्द ही गांव पहुंचने वाला था और मैं जानता था कि उसकी मदद से शायद मैं इस अजीब और डरावनी स्थिति से बाहर निकल पाऊंगा। नीरज के आने की खबर ने मुझे थोड़ा सुकून दिया, लेकिन मेरे मन में अब भी चंद्रिका की छवि लगातार घूम रही थी। उसका मोहक चेहरा और उसकी गहरी आंखें मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। मैं जानता था कि मुझे नीरज की मदद की सख्त जरूरत थी। जैसे जैसे अमावस्या की रात करीब आती जा रही थी, वैसे वैसे चंद्रिका की छवि मेरे सामने और भी स्पष्ट होती जा रही थी। अब तो मैं दिन के उजाले में भी उसकी छवि देखता था। जब भी मैं अकेला होता, मुझे ऐसा महसूस होता कि वह मेरे पास है, मुझे देख रही है। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती, एक सम्मोहक आवाज जो मुझे उसकी ओर खींच रही थी। मैंने खुद को कई बार समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ मेरे मन का भ्रम है, लेकिन अब इस भ्रम से बाहर निकल पाना मुश्किल हो गया था। उसकी चाहत और डर के बीच मैं खुद को पूरी तरह से खो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस ओर बढ़ रहा हूं। कभी कभी मुझे लगता कि मैं उसकी ओर खींचा चला जा रहा हूं, और कभी लगता कि मुझे उससे बचना चाहिए। अमावस्या की रात करीब थी और मेरा मन लगातार उथल पुथल में था। अमावस्या की रात करीब आ रही थी और गांव का माहौल अचानक से और भी भारी और उदास लगने लगा था। गांव वाले मुझसे दूर रहने लगे थे, उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता, वे मुझे चेतावनी देते, इस रात गुफा के पास मत जाना, यह रात सबसे खतरनाक होती है, चंद्रिका आज रात अपनी पूरी ताकत में होगी। उनकी चेतावनी सुनकर मेरे भीतर एक अजीब घबराहट पैदा होती, लेकिन चंद्रिका की मोहक छवि और उसकी आवाज मुझे हर पल गुफा की ओर खींच रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक ओर मेरा डर था जो गांव वालों की बातों से और भी बढ़ गया था, और दूसरी ओर चंद्रिका का वह अदृश्य जाल जिसमें मैं बुरी तरह फंसता जा रहा था। रात होते ही मुझे महसूस हुआ कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। अमावस्या की इस अंधेरी रात में जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझे गुफा की ओर धकेल रही थी। मेरी चेतना मुझसे बार बार कह रही थी कि यह गलत है, लेकिन चंद्रिका की खींचने वाली ताकत इतनी प्रबल थी कि मैंने गांव वालों की सभी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए गुफा की ओर चल दिया। अमावस्या की रात की स्याह कालिमा में डूबा हुआ मैं उस गुफा तक पहुंच गया। गुफा के द्वार पर खड़े होते ही मुझे एक अजीब सिहरन महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे आसपास हो। गुफा के अंदर जाते ही अंधकार ने मुझे घेर लिया। मेरी टॉर्च की रोशनी बहुत कम लग रही थी, मानो उस अंधेरे में घुलकर गुम हो रही हो। गुफा की दीवारें ठंडी और गीली थी, लेकिन उस रात वहां एक अलग ही सुगंध फैली हुई थी, एक तीखी और मोहक सुगंध जो मुझे और भीतर खींचती जा रही थी। जैसे ही मैंने कुछ और कदम आगे बढ़ाए, गुफा की दीवारें हल्के से कांपने लगी। मेरी धड़कन तेज हो गई। चारों ओर एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे हवा में कुछ फुसफुसा रहा हो। अचानक से गुफा के अंदर की हवा ठंडी हो गई और एक हल्की सी हंसी की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। वह हंसी चंद्रिका की थी। उसकी हंसी में एक गहरी कामुकता थी, लेकिन साथ ही एक खतरनाक क्रूरता भी छिपी हुई थी। मेरी हर नस जैसे उस हंसी की आवाज से झंझना रही थी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि अब गुफा के अंदर कुछ असामान्य हो रहा है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही मैं गुफा के गहरे हिस्से में पहुंचा, वहां अचानक से एक हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। उस रोशनी के बीच चंद्रिका प्रकट हुई। उसका रूप ऐसा था जिसे देखकर कोई भी स्तब्ध रह जाए। उसकी त्वचा दूध जैसी सफेद थी और उसकी आंखें गहरी काली, जिनमें अनकही कहानियां छिपी हुई थी।
उसकी लंबी काली लहराती हुई बाल उसकी पीठ पर फैल रहे थे और उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वह मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। वह नजदीक आई और उसकी उपस्थिति से गुफा का हर कोना एक अलग तरह की ऊर्जा से भर गया। उसकी सुंदरता में एक गहरी क्रूरता छिपी हुई थी जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे लगा कि मेरी आत्मा को उसने जकड़ लिया है। उसकी आवाज में एक सम्मोहक आकर्षण था। तुम मेरे पास क्यों आए हो समीर? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? उसकी मुस्कान में खेलती वह क्रूरता मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। मैं समझ गया था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। यह वही यक्षिणी है जिसकी ताकतों का आचार्य तिवारी ने जिक्र किया था। चंद्रिका धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। उसकी आंखें अब भी मुझे घूर रही थीं और मैं उनमें पूरी तरह खो चुका था। उसकी निकटता से मेरी सांसें तेज हो गई थीं। वह मेरे एकदम करीब आकर रुक गई। उसके हाथों की ठंडक मेरी त्वचा को छूते ही मेरे अंदर एक अजीब कंपन पैदा हुआ। उंगलियां मेरी गर्दन से होते हुए मेरे कंधों तक फिसल गईं। मुझे लगा जैसे मेरी चेतना धीरे धीरे खोने लगी है। उसकी मोहक हंसी और उसकी ठंडी सांसें मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर रही थीं। तुम मेरे हो समीर? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज जैसे किसी गहरे खड्ड से आ रही हो। उसकी आंखों में मैं खुद को पूरी तरह से खोता जा रहा था। मेरा मन और शरीर जैसे उसके जाल में फंस चुके थे। मैं जानता था कि मुझे उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन मेरे शरीर ने मुझे धोखा दे दिया था। उसकी सुंदरता और आकर्षण इतना प्रबल था कि मैं खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसकी निकटता में मैं पूरी तरह से खो चुका था और अब मैं पूरी तरह उसके मोहजाल में फंस चुका था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैंने खुद को खोते हुए महसूस किया। उसकी हर छुअन मुझे अपनी चेतना से दूर ले जा रही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो अब भी मुझे लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। मैं एक वैज्ञानिक था और मेरा तर्कशील दिमाग अब भी इस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति मेरे हर प्रयास को कमजोर कर रही थी। उसके हाथ मेरे सीने पर थे और उसकी आंखें मेरे दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। मैंने अपने अंदर की बची हुई ताकत से संघर्ष किया, लेकिन वह हंस रही थी, एक खतरनाक हंसी जो मेरे प्रयासों को निरर्थक बता रही थी। उसकी निकटता और उसकी हंसी के बीच मैंने खुद को बचाने की आखिरी कोशिश की। तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। उसके ठंडे हाथों की पकड़ मेरे सीने पर कसती जा रही थी और मेरी सांसें घुटने लगी। चंद्रिका की उपस्थिति अब सिर्फ शारीरिक नहीं रह गई थी, उसकी ताकत मेरे भीतर की चेतना को भी जकड़ रही थी। उसकी आंखों का सम्मोहन इतना गहरा था कि मेरी सारी इच्छा शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। मैं जानता था कि अगर मैं उसके प्रभाव में पूरी तरह आ गया तो मेरी आत्मा भी उन पुरुषों की तरह खो जाएगी जिनके बारे में आचार्य तिवारी ने बताया था। अचानक मेरे दिमाग में नीरज का चेहरा आया। उसकी बातें, उसकी चिंता, सब कुछ मेरे दिमाग में बिजली की तरह चमका। ये सोचकर कि नीरज जल्द ही मेरी मदद के लिए आ सकता है, मेरे भीतर कुछ जाग उठा। मैंने अपने हाथों को धीरे धीरे हिलाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रिका की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत नहीं जुटा पा रहा था। फिर अचानक मुझे गुफा के बाहर से एक हल्की आवाज सुनाई दी। ये आवाज नीरज की हो सकती थी, या शायद यह मेरे अंदर का डर था जो मुझे लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। मैंने एक आखिरी प्रयास किया, अपनी पूरी ताकत से चंद्रिका को दूर धकेलने की कोशिश की। वह कुछ क्षण के लिए झिनकी, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक क्रूरता चमकी। मैंने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और उस अजीब सी ठंडक से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसका सम्मोहन अब भी मेरे शरीर पर हावी था। जब नीरज गांव पहुंचा तो वहां का माहौल उसे बहुत अजीब और भयावह लगा। गांव के लोग उसे घूर रहे थे जैसे वह वहां का कोई बाहरी व्यक्ति हो जिसका वहां स्वागत नहीं था। उसने गांव के मुख्य चौराहे पर कुछ लोगों से समीर के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने सीधी बात नहीं की। गांव वालों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। आखिरकार एक बुजुर्ग ने उसे बताया, समीर उस गुफा की ओर गया है जो शापित है। यह सुनकर नीरज के दिल में चिंता बढ़ गई। वह समीर के बारे में जानता था, उसका जिज्ञासु स्वभाव और रिस्क लेने की आदत,
लेकिन यह गुफा और यक्षिणी की कहानियां उससे भी अनसुनी नहीं थीं। उसे अब यकीन हो गया था कि समीर किसी मुसीबत में फंस चुका है। उसकी चिंता बढ़ने लगी और वह बिना किसी देरी के गुफा की ओर बढ़ गया। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन समीर की सुरक्षा का ख्याल उसे और तेजी से गुफा की ओर खींच रहा था। रास्ता कठिन था और अंधेरा भी घना हो गया था, लेकिन नीरज ने अपना हौसला बनाए रखा और जल्द से जल्द गुफा तक पहुंचने की कोशिश करता रहा। गुफा के पास पहुंचते ही नीरज ने उस जगह की भयावहता को महसूस किया। यह जगह किसी पुरानी और अज्ञात शक्ति से भरी हुई थी। गुफा के बाहर खड़े होते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे वहां की हवा सामान्य न हो। बिना किसी देरी के नीरज गुफा के अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसे हर तरफ अंधकार और ठंडक का सामना करना पड़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी भी बहुत कमजोर महसूस हो रही थी। उसे अंदर से किसी के हल्के कराहने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह आवाज की ओर बढ़ा, उसे समीर नजर आया। समीर अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं और उसकी आंखें बंद थीं। नीरज का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत समीर को उठाया और बाहर की ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन समीर का शरीर बहुत भारी महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां रोके हुए हो। नीरज ने पूरी ताकत से समीर को घसीटते हुए गुफा के मुहाने की ओर खींचा। उसकी हालत देखकर नीरज को समझ आ गया था कि यहां कुछ भयानक हो चुका है और उन्हें यहां से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना होगा। जैसे ही नीरज समीर को लेकर बाहर की ओर जाने लगा, अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। गुफा की दीवारों पर एक नीली रोशनी फैलने लगी और चंद्रिका अचानक उसके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों में वही गहरा काला आकर्षण था जिससे समीर का बचना मुश्किल हो गया था। नीरज को उसकी आंखों में अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की। तुम भी मेरे हो सकते हो, चंद्रिका की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उसकी आवाज इतनी मोहक थी कि नीरज का दिल कुछ पलों के लिए उसकी ओर खींचने लगा, लेकिन नीरज ने अपनी आंखें बंद की और समीर को पकड़कर पीछे हटने लगा। चंद्रिका ने अपने हाथ नीरज की ओर बढ़ाए। उसकी उंगलियों से एक ठंडी हवा निकली जिसने नीरज को लगभग जकड़ लिया था, लेकिन नीरज के इरादों की मजबूती ने उसे खुद को उस जाल से बचाए रखा। चंद्रिका की हंसी गूंजने लगी, जैसे उसे यकीन था कि नीरज भी उसके मोह में फंस जाएगा। लेकिन नीरज ने अपनी आंखों को उससे दूर रखा और तेजी से समीर को लेकर गुफा से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। नीरज ने समीर को बाहर निकालते वक्त महसूस किया कि चंद्रिका का मोहजाल अब भी उन पर हावी है। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, हवा और भी ठंडी हो गई और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसर गया। नीरज का दिमाग दौड़ने लगा। अब उसे जल्दी से जल्दी गांव वापस जाना था, क्योंकि गुफा के अंदर की ताकतें उन्हें और अधिक देर तक नहीं छोड़ेंगी। समीर अब भी होश में नहीं आया था, लेकिन उसकी सांसें थोड़ी तेज हो रही थी, जो नीरज के लिए राहत की बात थी। उसने समीर को अपने कंधे पर डाला और गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह गांव की ओर बढ़ने लगा, उसे महसूस हुआ कि चंद्रिका की उपस्थिति अब भी उनके साथ है। उसे हर वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उनके पीछे है जो उन्हें वापस खींचने की कोशिश कर रही है। नीरज ने अपना ध्यान नहीं भटकने दिया और अपने दोस्त को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। रास्ता कठिन और डरावना था, लेकिन नीरज की दोस्ती और उसका साहस उसे हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। कई मुश्किलों के बाद नीरज आखिरकार समीर को लेकर गांव पहुंच गया। गांव वाले अब भी डरे हुए थे, लेकिन आचार्य तिवारी ने जैसे ही समीर को देखा, वे तुरंत मदद के लिए आगे बढ़े। आचार्य तिवारी ने नीरज और समीर को अपने घर बुलाया, जहां उन्होंने दोनों को चंद्रिका के श्राप और उसके मोहजाल से बचने का उपाय बताया। चंद्रिका एक शक्तिशाली यक्षिणी है और उसका मोहजाल कोई साधारण शक्ति नहीं है, उन्होंने कहा। आचार्य तिवारी ने एक प्राचीन मंत्र और अनुष्ठान की तैयारी की जिससे चंद्रिका की शक्ति को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि चंद्रिका को उसकी आत्मा की शांति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा की जाएगी, जिसमें नीरज और समीर दोनों की मदद चाहिए होगी। नीरज ने अपनी सहमति दी और समीर अब भी होश में नहीं था, लेकिन उसकी हालत धीरे धीरे सुधर रही थी। गांव का माहौल अब भी भारी था,
लेकिन आचार्य तिवारी की मौजूदगी से एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। आचार्य तिवारी ने हमें बैठाकर चंद्रिका के श्राप के पीछे की सच्चाई बताई। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी और आवाज में एक रहस्य भरी गंभीरता। उन्होंने कहा, चंद्रिका सिर्फ एक यक्षिणी नहीं थी, वह एक महान योगिनी थी जिसके पास असीमित शक्तियां थीं, लेकिन उसने उन शक्तियों का दुरुपयोग किया। उसकी लालसा और अहंकार ने उसे एक श्राप की ओर धकेल दिया। मैं और नीरज दोनों ध्यान से सुन रहे थे। आचार्य तिवारी ने बताया कि किसी समय चंद्रिका ने अपने योग और साधना के दौरान अमृता की कामना की थी, लेकिन उसकी ये कामना स्वाभाविक नहीं थी। उसने अन्य लोगों की आत्माओं को निगलना शुरू किया ताकि वह और ताकतवर बन सके। देवताओं ने इसे अधर्म मानते हुए उसे श्राप दिया कि वह एक यक्षिणी बनकर अपनी प्यास कभी नहीं बुझा पाएगी। यह श्राप उसे तब तक जकड़े रहेगा जब तक कोई अपनी आत्मा का बलिदान देकर उसे मुक्त नहीं करेगा। इस जानकारी ने मेरे मन में भय और अनिश्चितता का एक नया रूप पैदा किया। क्या यह श्राप कभी समाप्त होगा? क्या समीर या मैं उस बलिदान के लिए तैयार हो पाएंगे? आचार्य तिवारी ने हमें अनुष्ठान की प्रक्रिया समझानी शुरू की। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है, यह प्राचीन विद्या पर आधारित है और इसे करने के लिए हमें रात का इंतजार करना होगा, क्योंकि रात के समय चंद्रिका की शक्ति चरम पर होती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तिवारी जी ने हमें बताया कि इस अनुष्ठान के लिए हमें विशेष प्रकार के वनस्पतियों और कुछ दुर्लभ वस्त्रों की आवश्यकता होगी। उन्होंने हमें निर्देश दिए कि हम क्या क्या एकत्र करें। मैं और नीरज तुरंत उस काम में जुट गए। हम जानते थे कि यह अनुष्ठान ही हमारी आखिरी उम्मीद है। तिवारी जी ने बताया कि अनुष्ठान के दौरान हमें चंद्रिका की आत्मा को बुलाना होगा और उसे शांत करने के लिए एक बलिदान देना होगा। मैं और नीरज ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या इस बलिदान का मतलब किसी की जान होगी? यह सवाल अब हमारे सिर पर मंडराने लगा। तिवारी जी ने कहा कि अनुष्ठान में एक गलती भी हमें और हमारे आसपास के सभी लोगों को गंभीर खतरे में डाल सकती है। यह सुनकर मेरी चिंता और बढ़ गई, लेकिन अब हम पीछे हटने की स्थिति में नहीं थे। रात होते ही गुफा के आसपास का माहौल और डरावना हो गया। अनुष्ठान की तैयारी हो चुकी थी और जैसे ही हम उसे शुरू करने वाले थे, अचानक गुफा के भीतर से एक भयावह आवाज गूंजने लगी। यह चंद्रिका की आवाज थी। वह आ चुकी थी। उसकी उपस्थिति ने हमारी आत्माओं को झकझोर दिया। उसने आक्रोश में अपनी छवि प्रकट की। उसकी आंखें अब और भी खतरनाक और क्रूर लग रही थीं। उसकी भयानक चीखें हवा को कांपाने लगी। उसने अचानक समीर की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन नीरज ने उसे रोकने के लिए अनुष्ठान शुरू किया। चंद्रिका को जब इस अनुष्ठान का पता चला तो उसने अपना सारा गुस्सा हम पर निकालना शुरू कर दिया। उसकी उपस्थिति ने हमारे चारों ओर की हवा को भारी और असहनीय बना दिया। मैंने महसूस किया कि उसकी शक्ति अब और बढ़ रही थी और वह किसी भी हद तक जाकर हम पर हमला कर सकती थी। उसकी प्यास अब इतनी बढ़ चुकी थी कि वह किसी भी बलिदान को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उसे हमारी आत्माएं चाहिए थी। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। चंद्रिका का क्रोध और उसकी भूख हमें खत्म करने पर तुली थी। तभी अचानक समीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह अब भी बहुत कमजोर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी शांति दिखाई दे रही थी। उसने मुझे और नीरज को देखा और बोला, यह सब मेरे कारण हो रहा है, मुझे इसे खत्म करना होगा। मैंने उसे रोका, नहीं समीर, हम तुम्हें इस तरह नहीं जाने दे सकते। लेकिन समीर ने अपना मन बना लिया था। उसने धीरे धीरे खुद को अनुष्ठान की वेदी पर खड़ा किया और कहा, अगर चंद्रिका की आत्मा को शांति चाहिए तो वह मेरे जीवन से इसे पा सकती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह वह क्षण था जिसका डर हमें पहले से ही था, लेकिन अब इसे रोक पाना हमारे हाथ में नहीं था। समीर ने अपना बलिदान देकर चंद्रिका को वह आत्मा दे दी जिसकी उसे सदियों से तलाश थी। जैसे ही समीर ने अपना बलिदान दिया, चंद्रिका की भयानक उपस्थिति धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी क्रूरता और भूख गायब हो गई। उसकी आंखों में अब एक नई शांति दिखाई देने लगी। उसने समीर की ओर देखा जैसे उसे पहली बार किसी ने सचमुच समझा हो। उसने धीरे धीरे अपनी आत्मा को मुक्त किया और कहा, तुमने मुझे वह दिया जो मुझे सदियों से चाहिए था, अब मैं मुक्त हूं।
उसकी आवाज अब धीमी और शांत थी। धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली होने लगी और वह हवा में विलीन हो गई। गुफा के अंदर का माहौल भी बदल गया। वहां की ठंडक और अंधकार धीरे धीरे गायब हो गए। समीर का शरीर वहां निढाल पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई तरह की शांति थी। चंद्रिका अब मुक्त हो चुकी थी और उसके श्राप का अंत हो चुका था। समीर का बलिदान देते हुए मैं सोच रहा था कि अब वह हमारे साथ नहीं रहेगा। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं और वह बिल्कुल निढाल हो गया था, लेकिन चमत्कारिक रूप से जब हमने उसे उठाया तो उसकी सांसें अब भी चल रही थीं। मैंने एक गहरी राहत की सांस ली, लेकिन समीर पूरी तरह होश में नहीं था। उसकी हालत बेहद कमजोर थी। मैंने और नीरज ने उसे वहां से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह अब भी जीवित था, लेकिन उसकी आत्मा और शरीर पर जो घाव थे वे बहुत गहरे थे। चंद्रिका की आत्मा ने उसे निगलने का प्रयास तो किया था, लेकिन शायद उसका बलिदान इतना शक्तिशाली था कि उसकी आत्मा को वह सारा कष्ट सहने के बावजूद बख्श दिया गया। नीरज ने समीर को अपने कंधे पर उठाकर गांव वापस लाने की कोशिश की। मैं उसकी नब्ज बार बार चेक कर रहा था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अभी भी जीवित है। हालांकि उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन वह बेहद थका हुआ और टूटा हुआ लग रहा था। उसकी आत्मा शायद अब भी चंद्रिका की छाया से मुक्त नहीं हो पाई थी। चंद्रिका के जाने के बाद गुफा की वह भयावहता भी खत्म हो गई थी। मैं गुफा के अंदर वापस गया और देखा कि अब वहां की ठंडक और अंधकार गायब हो चुका था। दीवारों पर की गई नक्काशियां भी अब सामान्य प्रतीत हो रही थीं। वह यक्षिणी जिसने न जाने कितने लोगों की जान ली थी अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी और साथ ही वह श्राप भी समाप्त हो चुका था जिसने इस गांव और इस गुफा को दशकों तक डर के साये में रखा था। गांव लौटते वक्त मैंने देखा कि गुफा का वह प्राचीन डर अब खत्म हो गया था। अब यह बस एक साधारण गुफा थी जिसका रहस्य अब इतिहास का हिस्सा बन चुका था। लेकिन मेरे मन में अब भी एक सवाल गूंज रहा था, क्या यह सच में अंत था? क्या यक्षिणी की मुक्ति के बाद भी कुछ बचा था, या यह कहानी बस एक नए अध्याय की शुरुआत थी? गांव लौटने के बाद समीर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसकी शारीरिक चोटें ठीक होने लगी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति अब भी गंभीर थी। उसकी आंखों में अब भी वह डर और उलझन झलक रही थी जो गुफा में हुए अनुभवों ने उसे दी थी। वह चुप रहता, घंटों तक एक ही जगह बैठा रहता। नीरज और मैं उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में जो शून्यता थी वह मुझे डरा रही थी। वह कई बार बुदबुदाता था, चंद्रिका, वह मुझे देख रही थी, वह मुझे जाने नहीं देगी। उसकी बातों में एक अजीब तरह का भय था। वह जानता था कि चंद्रिका को मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या वह सच में मुक्त हो गई थी या उसकी छाया अब भी समीर के भीतर कहीं ना कहीं जिंदा थी? समीर ने गांव छोड़ने का फैसला किया ताकि वह खुद को इस घटना से दूर कर सके, लेकिन मुझे यकीन था कि वह कभी भी पूरी तरह इस घटना से मुक्त नहीं हो पाएगा। इस पूरे अनुभव के दौरान नीरज और मेरी दोस्ती और भी गहरी हो गई। नीरज ने जिस तरह से मेरे और समीर के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, उसने मुझे यह एहसास दिलाया कि सच्ची दोस्ती का मतलब क्या होता है। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। समीर और नीरज के साथ बिताए गए ये पल अब मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। हम तीनों ने जो कुछ भी झेला था वह हमें हमेशा के लिए बदल चुका था। इस घटना ने हमें एक नई पहचान दी थी। नीरज और मैं अक्सर बैठकर इस घटना के बारे में बातें करते थे, लेकिन हम दोनों जानते थे कि यह सिर्फ बातें नहीं थी, यह हमारी हकीकत थी और इसका प्रभाव हम पर जीवन भर रहेगा। समीर अब धीरे धीरे जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शोध अब भी अधूरा था। उसने उस गुफा के बारे में जितना भी जाना था वह अब इतिहास का हिस्सा बन चुका था, लेकिन एक वैज्ञानिक होने के नाते वह कभी भी सवाल पूछना बंद नहीं कर सकता था। समीर ने अंततः यह समझा कि कुछ रहस्यों के उत्तर कभी भी पूरी तरह से नहीं मिल सकते। गुफा और चंद्रिका की कहानी उसके लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई। उसने अपने शोध को आगे बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन अब उसकी नज़र में ज्ञान की एक नई परिभाषा थी। कुछ सवाल हमेशा अधूरे रहते हैं और उनका जवाब
शायद ही कभी मिल पाता है। समीर ने अपनी डायरी में आखिरी शब्द लिखे, रहस्यों की दुनिया में हर सवाल का जवाब नहीं होता और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना पड़ता है बिना उनका हल ढूंढे। समीर की यह स्वीकारोक्ति उसकी यात्रा का अंत नहीं थी, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत थी।